ठीक है। तो दूसरा प्रश्न था कि वैक्सीनेशन पे आप इतना विरोध क्यों करते हैं? मुझे इसके पीछे का जो आपकी जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक लॉजिक है क्या वो बता सकते हैं? देखो इसके लिए अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपने वीडियोस देखे हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड मेरे? नहीं, पहले वैक्सीनेशन से रिलेटेड पहले के जो कम बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे। नहीं, मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे लगभग देखे हैं। मैं तो मुझे अच्छा, वैक्सीनेशन के वैक्सीनेशन ऊपर नहीं देखा आपने? शायद नहीं देखा, मुझे लग रहा अच्छा है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। वैक्सीनेशन के ऊपर देखिए, मैं आपको एक बुक किताब भेजूंगा जो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पनाग, तो मलेशिया का यह है पनाग, तो वहाँ पर कंज्यूमरेशन ऑफ पनाग जो है मलेशिया की एक है एजेंसी है जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे विषयों पे बुक छापी थी। तो उसमें एक बुक उन्होंने छापी थी हिडन डेंजर्स इन वैक्सीन, तो वो हमने वहाँ से मंगवाया, तो उसको पीडीएफ मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको स्टडी कर लेना कि जो वैक्सीनेशन, मतलब इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन एक्चुअली अपने आप में वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो वैक्सीनेशन के साथ इन लोगों ने खुराफात की है, जो वैक्सीनेशन के साथ इन्होंने गेम बना खेला है कि वैक्सीनेशन को एक प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट बनाकर इन्होंने उसको प्रस्तुत कर दिया है, तो उस कारण से वैक्सीन जो है वो आज बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो 1986 में अमेरिका में एक लेजिस्लेशन आया था जो आपने सुना है उसका, कि उसमें लेजिस्लेशन ये डिसाइड हुआ था कि अमेरिका में वैक्सीन रिलेटेड इंजरीज के संबंध में कोई भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। हेलो, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे ना? तो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां एक कोर्ट कोर्ट स्थापित की गई, जिस कोर्ट ने वैक्सीन रिलेटेड रिलेटेड इंजरीज यदि प्रूव हो जाती हैं, जिसका स्टैंडर्ड बहुत मतलब वो हाई था कि वो प्रूव करने का जो मतलब बड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल था, लेकिन यदि कोई प्रूव हो जाता था तो $43 बिलियन के लगभग उन्होंने अभी तक वैक्सीन रिलेटेड इंजरीज के बांटे हैं लोगों को, मतलब हर्जाने के रूप में। लेकिन वो $43 बिलियन जो है वो वैक्सीन कंपनीज ने नहीं भरे हैं, वो टैक्स पेयर्स के पैसे से भरा गया है। तो हुआ क्या है कि ये वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज खुले, मतलब कहते हैं ना एक तरह से खुले मैदान में खुले स्वरूप में आकर इन्होंने, जो पहले आप आपके पिताजी को उनको पूछना, आपकी क्या एज है भाई विक्रम? 19 अच्छा 19 है जी, चलिए। तो आपके फादर उनको सब पूछना, बहुत 3 या 4 वैक्सीनेशन लगते थे पहले सबको, हाँ, मैंने मेरी मम्मी ने मुझे है ना? माने बताया 3 या 4, उससे ज्यादा नहीं लगते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो है क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि ये वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज ने खुले तौर पर आज की डेट में 19, 20, 21 साल तक के बच्चों तक को भी इन्होंने वैक्सीन का पूरा चार्ट बनाया हुआ है, लगभग 32 स्टेजेस वैक्सीन बराबर। होते हैं। और हमारे टीचर ही इधर खुद कहती है कि आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए। हाँ, तो मतलब ये हो रहा है कि आप बच्चे को जो उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है बचपन में, उस बचपन में उस इम्यून सिस्टम को डेवलप ठीक से होने के बजाय आप प्रिजर्वेटिव केमिकल्स इन सब पे, इस सब से लेस जो पूरा का पूरा जो इंक्लूड करके वैक्सीन बनाकर आप जो है उन बच्चों के शरीर में पहुंचा रहे हो, और वो जो इम्यून सिस्टम है वो इतने सारे जो है वैक्सीन का वार झेल रहा है, तो वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, और डेवलप नहीं हो पाता तो एक तरह से उसको रेंटेड इम्यूनिटी पे बच्चा जीता है। हाँ, और बराबर। कल ही मुझे, मैं हिमाचल में मेरा लेक्चर था वहां की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पिछले साल, तो अभी कल ही वहां के एक प्रोफेसर की पत्नी का कॉल आया, तो उसने मुझे बोला कि वीरेंद्र भाई आपका वैक्सीन का मैंने पहली बार सुना ये, तो मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि मेरी बेटी है जिसको कुछ किसी भी कारण से हम वैक्सीन नहीं दिलवा पाए एक पोलियो के अलावा शुरुआत में, और फिर इसके बाद मेरी दूसरी बेटी है वो जो है उसको मैं सारे वैक्सीन दिलवाए, तो हमने देखा है कि मेरी जो बेटी जिसको वैक्सीन नहीं दिए हैं वो ज्यादा हेल्दी रहती है, उसको कम बीमार, बहुत कम बीमार पड़ती है, लेकिन दूसरी बेटी वो ज्यादा बीमार पड़ती है। तो बोला अब हमें पता लगा कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो गया, कि हमको हमारी बेटी को वैक्सीन नहीं लगे तो भलाई हो गया उसका। तो ये जो फैक्ट है ये मेरे बच्चों को भी, मेरे दो बच्चे हैं, 2012 में मेरी बेटी हुई उसको मैंने कोई वैक्सीनेशन आज तक नहीं दिया, मेरा बेटा है उसको वैक्सीनेशन आज तक कोई नहीं दिया,
वो हेल्दी है, आज तक कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। तो बात ये है कि अब और हमारे बच्चे, अब मेरी बेटी तो अब पिछले 2 साल से स्वर्ण प्राश लेना शुरू किया है। स्वर्ण प्राश जो है वो एक स्वर्ण भस्म का बना होता है, उसको लेना शुरू किया है तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। जो 4,000 साल पुराना जो है कश्यप ऋषि का फॉर्मूला है, वो उसके अनुसार वो ले रहे हैं, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चों की ऑटोमेटिक। इस तरह से हम उसको आयुर्वेदिक टीकाकरण बोल सकते हैं, है वो ड्रॉप शहद की मिली हुई और स्वर्ण भस्म की मिली हुई, तो यदि वो दिया जाए तो बच्चों का इम्यूनिटी बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन वैक्सीनेशन को जो एक प्रोडक्ट की तरह प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो है आपके दरवाजे तक आकर पोलियो ड्रॉप पिला रही है, तो फिर वो डेविड आइक वाली जो बात है वो होती है कि भाई यदि सरकार कुछ आपको आपकी भलाई की बात आकर कर रही है आपके दरवाजे पे, तो समझ लो कि इसमें आपका नहीं उनका भला है, इसलिए कर रही है। आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ। तो ये जो वैक्सीनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा स्क्रूड कॉन्सेप्ट है। अब तो इसलिए आपके बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है तो सुरक्षित हैं, और वैक्सीनेटेड हैं तो बीमार हैं। तो जब आपको वो हिडन डिजीज वैक्सीन करके जो है बुक भेजूंगा, उसका पीडीएफ आप व्हाट्सएप करना मुझे, मैं भेजूंगा, तो आप देख लीजिएगा उसको। पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि वैक्सीन ना दे के नहीं डरना, वैक्सीन देते हुए डर लगेगा आपको। तो ये कारण है वैक्सीन ना दिलवाने का।